अब जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन करना। तो पहले जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, पॉइंट फॉर्म में लिखा है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस आयोटा डी। और अगर आपने करना है जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू, तो नीचे जेड टू है, यहाँ लिखा है कि जेड टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, अगर लिखा है जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू और नीचे जीरो आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए Z2 जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आती है, Z2 क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, इंफिनिटी आ जाएगा क्योंकि Z2 नीचे लिखा है। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर आ गया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आ गया, बिल्कुल सेम इसी तरह से Z1 ऊपर था Z2 नीचे था, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन का तरीकेकार क्या होता है, क्योंकि नीचे आयोटा मौजूद है, डिवीजन में आयोटा को हम नहीं छोड़ते, इस आयोटा को खत्म करने के लिए हमने रैशनलाइज करना है। ये जो लिखा है डिवाइड में नंबर सी प्लस आयोटा डी, माइनस साइन के साथ मैंने उसी नंबर को मल्टीप्लाई भी करना है, उसी नंबर को डिवाइड भी करना है, ये काम हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों कट जाएंगे तो वापस ऊपर वाली शक्ल हमें मिल जाएगी। हम मैथ में हर वो काम कर सकते हैं जिससे पिछले स्टेप में वापस जाया जा सके, जा सकते हैं वापस। अब इसको करने से फायदा क्या होगा, इसको करने से ये फायदा होगा, ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको अगर आप देखेंगे, नीचे वाले को पहले अगर मैं सॉल्व करूं सी प्लस आयोटा डी सी माइनस आयोटा डी, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा पे स्क्वायर जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, और ये डी पे जाएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखिए नीचे आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ऊपर वाले को सॉल्व करके देख लें आप, ऊपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक नंबर है ए प्लस आयोटा बी, ये रहा, दूसरा है सी माइनस आयोटा डी, इसको सॉल्व करते हैं, ये ए सी के साथ होगा तो ए सी आ जाएगा, अब ए माइनस आयोटा डी के साथ होगा तो माइनस आयोटा ए डी आ जाएगा, अब आयोटा बी सी के साथ होगा मल्टीप्लाई तो प्लस 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 आयोटा बी सी, अब ये आयोटा बी माइनस आयोटा डी से होगा तो माइनस आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर, बी डी के साथ तो बी डी आ जाएगा, ये आ जाएगा ए सी, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आएगा, और बी सी पहले लिख रहा हूं, माइनस का ए डी बाद में लिख रहा हूं, आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी डी। ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है इसको मैं एक तरफ लिख देता हूं, और ये पूरा रियल पार्ट है इसको मैं एक तरफ लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा ए सी प्लस बी डी प्लस ये पूरा इमेजिनरी पार्ट आयोटा बी सी माइनस ए डी। तो आप ये देख सकते हैं कि ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी, और इसको सॉल्व किया तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको आप रियल पार्ट के नीचे अलहदा भेज दें, इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलहदा भेज दें, तो इस तरह से आपका ये डिवीजन का आंसर आता है। इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह ये सॉल्व होगा, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपको ये डिवीजन के और मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं याद रख सकते तो आप इस तरह सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप देखें पहले सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करना है आपने, तो पहले तो ये निकाल ही लें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, इन्होंने सॉल्व किया हुआ है पूरा ना, इन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाया, इन्होंने डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, दोनों को डिवाइड की, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, नीचे वाले नंबर से रैशनलाइज किया आपने, 4 प्लस टू आयोटा था तो 4 माइनस टू आयोटा 4 माइनस टू आयोटा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, और 3 आयोटा को माइनस टू आयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस का 1, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, पहले मैं इसको इसके साथ कर रहा हूँ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों मिलकर रियल पार्ट बनेंगे, और ये हो जाएगा 3 टू जा 6 आयोटा स्क्वायर। अब 2 को माइनस टू आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस फोर आयोटा, थ्री आयोटा को फोर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ट्वेल्व आयोटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो फोर का स्क्वायर माइनस टू आयोटा का स्क्वायर, ये देखें एट आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर होता है तो माइनस माइनस प्लस का सिक्स हो जाएगा, माइनस का फोर आयोटा प्लस का ट्वेल्व आयोटा तो ट्वेल्व माइनस फोर, और ये नीचे वाला पार्ट ऐसे ही आ गया,
ये हो जाएगा 8 प्लस 6 14, 12 माइनस 4 8, ये हो जाएगा 16 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 2 4, 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। ये 20 इसके नीचे अलग भेज दें, इसके नीचे अलग भेज दें, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 7 14, 2 10 20, 2 2 4, 2 10 20, 4 डिवाइडेड बाई 10, इसको पॉइंट फॉर्म में लिख दें तो ये आपका आंसर आ जाता है। मुश्किल तो नहीं है डिवीजन। अब आपको ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं पॉइंट फॉर्म के अंदर, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हल करना है आपने, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सी क्या है, ए सी करना है ना, तो ए सी, ए क्या है माइनस वन और सी क्या है टू, तो माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू, फिर प्लस, फिर बी डी करना है तो बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस का फोर डिवाइड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, टू का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर। अब करना है बी सी माइनस ए डी, यहाँ पे फॉर्मूले से हल कर रहे हैं हम, तो क्या करना है बी सी, तो बी को सी के साथ करेंगे थ्री मल्टीप्लाई बाई टू माइनस ए डी, ए को डी के साथ करेंगे माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर, और ये चीज यहाँ पर वैसे ही आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस का टू, प्लस माइनस माइनस का फोर, थ्री सा ट्वेल्व, ये हो जाएगा थ्री टू सा सिक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फोर वन सा फोर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस का माइनस 2 माइनस 12 माइनस का 14, 6 माइनस 4 प्लस का 2, और ये 20 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 10। इस तरह आपकी एग्जाम्पल के साथ ये आपका सेक्शन 1.6 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.6 है और आपका ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा इस एक्सरसाइज के बाद। कोई सवाल करना चाहें?